एक बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है और कल से जो निधि बयान दे रही है अल्कोहल को लेके। सर पहले आपका इंट्रोडक्शन निधि कर दीजिए, जी जी, उसके बाद बोलिए। मैं डॉक्टर भूपेन चौरसिया हूँ। फैमिली ने मुझे जो मीडिया और सारी चीजों को देखने के लिए एक तरीके से उनने निर्धारित किया हुआ है। मैं आप मुझे एक मुंह बोला आप उसका भाई कह सकते हैं। एक तारीख को जब ये घटना हुई तो आप ही लोगों के मीडिया चैनल के थ्रू मुझे पता चला कि एक ऐसी दिल्ली की बेटी के साथ ये हुआ है, तो मैंने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में कॉन्टेक्ट किया और वहां से मुझे इनके घर का एड्रेस मिला और मैं इनके घर में पहुंचा। मैंने इनकी माता जी को इस बात का आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको जैसा भी सपोर्ट की जरूरत होगी मैं आपका बेटा होने के नाते करूंगा और तीन दिन से मैं परिवार के साथ हूं सारी चीजों में। अब जो कल से चीजें उठ रही हैं, सबसे पहले जो निधि ने एक बहुत बेबुनियाद आरोप जो है मेरी बहन पे लगाया है कि वो शराब के नशे में धुत थी और उसको इतनी भी सुधबुद नहीं थी कि वो गाड़ी चला पाती। उसने पहले कोई ट्रक से टकराने की कोशिश हुई, उसके बाद जो है वो इस गाड़ी से टकराती है। तो मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे आप सबको बताना चाहता हूँ। ये देखिए एब्डोमन जो है, एब्डोमन में इसमें क्लियरली मेंशन है स्टमक में सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वॉल हैव नो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड। मतलब कि एब्डोमन में किसी भी तरीके का कोई अल्कोहलिक पदार्थ नहीं पाया गया है। मैम अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहां पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था।